हुआ कि एक दिन मैं क्या दर्शन देख रहा हूँ, सो रहा था कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे हाथ में एक बाइबल है और बहुत बड़ी भीड़ है और लोग आंसू बहा रहे हैं और वो लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, चिल्ला रहे, रो रहे हैं, तरह तरह, कोई लंगड़ा है, कोई बड़ा सा बड़ा बीमारी से कोई खाट पे लेटा हुआ है, तो उन लोगों के लिए हम बाइबल हाथ में लेके प्रार्थना कर रहे हैं। फिर मैं नींद से जाग गया कि प्रभु ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको इग्नोर कर दिया। फिर मैं प्रार्थना करने लगा। फिर दो दिन बाद मेरे पास यही दर्शन आया, ऐसा ही दर्शन आया। उस समय मैं देख रहा था कि और बड़ी भीड़ है और मेरे हाथ में बाइबल था। फिर मेरे को समझ में आ गया कि प्रभु मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुला रहे हैं, कि तू तेरा जॉब गया है तो तेरी भलाई के लिए गया है, तुमको मैं अपनी सेवा में बुला रहा हूं। तो उस समय क्या हो गया कि मैं क्या करता था, फेसबुक में से जिसको कोरोना हुआ है, जो बीमार है, व्हाट्सएप में जो किसी प्रकार की तकलीफ से गुजर रहा है, उसका नंबर मैं निकालता था और उसको व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू क्या करता था, प्रार्थना करता था, वो लोगों को परमेश्वर का वचन में शेयर करता था और हीलिंग भी तुरंत हो जाती थी। तो मैं समझ गया कि प्रभु की कॉलिंग मेरे लिए है। मैं खुद परेशान हूँ अपनी परेशानी को लेकर और लोग चंगे हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि लोग वहां ठीक हुए, जैसे यहाँ भी मेरा सिचुएशन नॉर्मल हो गया।